गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मैथ और साइंस यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसका एक रीज़न भी है। मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहा था जो डिफरेंट बुक्स से मैंने कलेक्ट किए हैं आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं 100 out of 100 आ सकें। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चंस हैं, 50-70 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, सिर्फ इतने क्वेश्चन, तो चैप्टर 1 के चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू। तो बच्चों, ये आपकी क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो ये टाइम आपके लिए ही मैंने दिया है। आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्वेश्चन को शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। एज वी नो, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे अच्छी बात रहेगी आपके लिए। अब मैं आपको बता दूँ ये सब मैंने क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं। देखिए, आपकी जो बेस्ट बुक्स होती हैं आपके टीचर्स रिकमेंड करते होंगे, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिफरेंट सैम्पल पेपर, और जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं रीसेंट, पिछले ईयर लास्ट ईयर के, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज़ किया है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को मैंने सामने रख के ये क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम भी लग गया है, तो मैं चाहता हूँ ये आपके लिए बेनिफिट हो सके। जितना ज़्यादा आप इनका बेनिफिट उठाओ उतना ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो मैं एक बार मैं समझा देता हूँ किस तरीके से आपको क्या कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जितने हर टाइप जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर किए हैं, और यूनिक क्वेश्चन है। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा हो, सिमिलरिटी इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगी, सारी यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे अगर नहीं लगता है तो वो आप मुझसे या तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड भी हैं। लेट मी सी, ओके, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट बुक से भी हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका पोर्शन इस बार रिड्यूस हो चुका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पोर्शन है ये कट है, तो ये आप लोग इस बार ये मत करना, ठीक है, ये पोर्शन मत करना। मैंने ओवरऑल बुक का देखा है, ओवरऑल बनाया है, जिससे कि नेक्स्ट ईयर भी इसको हम बच्चों की हेल्प कर सके ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल मैंने बनाया, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप मत करना इसमें, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी, ये भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आप ये मत समझना कि इसमें स्टैंडर्ड मैथ के कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, बेसिक क्वेश्चंस आपको जो जिनके पास बेसिक मैथ है वो सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आने वाला है बेसिक में स्पेशली, ठीक है। और स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पीडीएफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस बिल्कुल छाट के दिए जाते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस होते हैं। तो जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है वो जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम तो लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, मैंने टाइम दिया है तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी,
खाली बातें बनाने से, 95 प्लस लिख देने से यूट्यूब के थंबनेल पे कुछ नहीं होता है। उसके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ बनानी पड़ती है, ठीक है। कहते तो सब लोग हैं मेहनत करें, बच्चे करें, लेकिन मेहनत टीचर भी करेगा तभी बच्चों को सफलता मिलती है। खाली बोल देने से मेहनत नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की क्वेश्चंस आप लोग कट कर देना ये यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा दिखे आपको वो कट कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही आपको दिख जाएंगे, जैसे 1/√3 इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो उसको आप ट्राई जरूर करना, सारे क्वेश्चंस देखना। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप देखना, 4 मार्क्स जैसे ये यूक्लिड वाला जो है वो सब कट है, वो मत करना, ठीक है। चैप्टर 1 की सीरीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहना मेरे साथ, ठीक है। सिर्फ बोलने से मेहनत नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। आपको टाइम टेबल टीचर्स बना के देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप फॉलो अगर नहीं करोगे उसको तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो में आपके लिए जो मैंने दिए हैं वो सब चीज़ें आपको लिए बेनिफिट होंगी। अगर आपके लिए बेनिफिट हो, आपको लगे कि हाँ कुछ कुछ इससे पॉजिटिव मुझे चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मेरे लिए है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो और ये PDF ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बताना कि आपको किस चैप्टर की डिमांड है, मैं उसके लिए भी आपको कुछ 2-3 दिनों में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।